हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ये पट्टी की डिज़ाइन जो कि मैंने क्रोशिया से बनाई है, क्रोशिया से। और एक ये यू पिन है, इसे हम यू पिन कहते हैं, हेयर पिन या यू पिन। तो इस यू पिन और क्रोशिया की मदद से हम ये डिज़ाइन बना सकते हैं। इस पैटर्न से आप बोलेरो जैकेट्स बना सकते हैं, श्रग बना सकते हैं, समर टॉप बना सकते हैं, विंटर टॉप बना सकते हैं, हाफ कार्डिगन बना सकते हैं। ये जो पैटर्न है ये आपके बहुत काम आने वाला है, तो मुझे लगता है कि इसे आपको सीख लेना चाहिए। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं। बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये ऊन ली है, यू पिन लिया है और क्रोशिया हुक लिया है। इन तीन चीज़ों की ज़रूरत हमें पट्टी बनाने के लिए पड़ेगी। आप इस ऊन की जगह कॉटन का धागा ले सकते हैं या फिर कॉटन का वुल ले सकती हैं जो कि मार्केट में आराम से मिल जाता है, या फिर आप चाहें तो अमेज़न से भी मंगा सकती हैं। गर्मी के टॉप के लिए आप कॉटन के धागे का यूज़ करें, अगर आपको विंटर टॉप बनाना है तो आप ऊन का यूज़ करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यू पिन लेंगे, यू पिन पर ऐसे धागे को रखेंगे और एक गांठ लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये जो हमारा धागा है वो बीच में होना चाहिए। अब हम ये जो धागा है जो हमारी तरफ है इसे हम ऐसे लपेटेंगे और इसे यू पिन के पीछे लाएंगे। ये जो है हमारा, ये सेंटर में जो गांठ है वो सेंटर में होनी चाहिए। ये देखिए ये जो हमारी गांठ है वो सेंटर में होनी चाहिए। और अब इस धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे और पीछे की तरफ आपको इसे उंगलियों में फंसाना है। इस तरह से अपने हाथ को इस तरह से बनाइए और इस तरह से कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो इस धागे को उंगली में भी ऐसे लपेट सकती हैं। मैं उंगली में लपेट के बताती हूँ आपको। ये उंगली में लपेट लिया मैंने। अब हम क्रोशिया लेंगे और देखिए ये जो पहला हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है वो कैसे बनाना है। नीचे से हम क्रोशिया को ऐसे करेंगे और ये जो धागा है इसे हम धीरे से अपनी तरफ ऐसे खींच लेंगे। ये देखिए ये हमारे पास एक क्रोशिया बना। अब हम इसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे। ये देखिए हो गया। और जब भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे तो क्रोशिया को ऐसे उठाएंगे और यू पिन के पीछे ऐसे कर लेंगे और इसे हम ऐसे टर्न करेंगे। ये देखिए हमने क्रोशिया टर्न किया। अब यहाँ पर ये तुम्हारा धागा है, ये जो पहला, देखिए हमारे पास दो धागे हैं, तो जो ऊपर वाला लूप है उसके नीचे से हम क्रोशिया डालेंगे, फिर हम धागे को ऐसे खींचेंगे इस तरह से, और अब इन दोनों में से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए इकट्ठे अब एक क्रोशिया हो गया, फिर इसे हम पीछे करेंगे और ऊन को ऐसे लपेट के इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आप करेंगे। अब इधर फिर एक, ये देखिए एक एक लूप के नीचे से क्रोशिया हुक डालेंगे और इसे हम इस तरह से अपनी तरफ खींचेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर पीछे ले जाएंगे, फिर इसे ऐसे टर्न करेंगे, एक लूप के नीचे से, देखिए एक लूप के नीचे से हम क्रोशिया डालेंगे, ये धागा बाहर निकालेंगे। हमारे पास दो चैन हैं और इन दोनों में हम एक साथ सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए फिर हम इसे टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद देखिए टर्न किया हमने, ये जो ऊपर वाला एक लूप होगा उसके नीचे से क्रोशिया डाल के ऐसे, ये देखिए इस तरह से। फिर जब एक बन गया तो क्रोशिया को पीछे की तरफ लाएंगे और इसे ऐसे टर्न करेंगे। ये देखिए ये हमारा एक लूप बन गया। और अब इधर वाला ये पहला लूप जो है उसके नीचे से हम क्रोशिया डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए इसे आपको नीचे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा नीचे की तरफ शिफ्ट करते जाइए, ऐसे टर्न कर लेंगे, फिर टर्न किया, बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आप नया बनाना शुरू कर रहे हैं तो थोड़ी सी आपको दिक्कत ये आएगी कि थोड़ा सा आपको बनाने में मेहनत लगेगी, और जब आप इसे सीख जाएंगे तो इसे बनाना बहुत आसान है।
मैंने 144 प्लस 8 यानी कि 152 लूप बना लिए हैं। ये जो लूप है एक साइड के लूप की संख्या है वो 154 है। अब हम ये लास्ट वाला लूप बनाएंगे। देखिए धागा इधर किया हुआ है मेरा, धागा इधर है और इसके बाद हम ये बनाते हैं। ऊपर वाले लूप को ऐसे लेते हैं, धागा ऐसे खींचते हैं और इसे पैक करते हैं। लेकिन जब हमें बंद करना होगा तो हम क्या करेंगे? अब हम धागे को इधर शिफ्ट नहीं करेंगे, हम क्रोशिया को पीछे करेंगे और धागे को भी सेंटर से आगे ले आएंगे। ये देखिए हमने कोई लूप नहीं बनाया और अब हम इधर वाले लूप को ऐसे ऊपर उठाएंगे और ये हम इसको ऐसे पैक कर देंगे। तो ये आपका बन गया। इसे हम खींच लेते हैं थोड़ा, अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं इस तरह से। ये हमारा लूप बन के तैयार हो गया है। अब या तो आप यहाँ पे गांठ लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें इसकी ज़रूरत है तो हम यहाँ पे गांठ नहीं लगाएंगे, हम यहाँ से इसे जो है मोड़ने के लिए बनाएंगे। तो इस तरह से ये लूप आप बड़े आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही इजीली बन जाता है ये लूप और इससे आप कई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो इस लूप को बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।